सेल्स कैसे हो आप सब आई होप सब बहुत मस्त होंगे सबकी पढ़ाई भी काफ़ी मस्त चल रही होगी मैं हूं आपकी अपनी खुशबू माम बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतू तो भाई आज का जो सेशन है वो है हमारा टॉप टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं भाई अक्सर एग्जाम में क्या हमारा एक पोर्शन ही होता है जिसमें हम एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं जिसमें हमें बड़ा खतरनाक सा कंफ्यूजन होता है कि भाई इनको सोल्व कैसे करना है तो आज वो टिप और ट्रिक भी की गोल्डन टिप क्या होने वाली है एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने की और साथ साथ में हम इसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी करेंगे वो भी अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट चैप्टर के जो कि है टिश्यूज हमारा तो चलो लेट्स बिगिन विद सेशन अमेजिंग सा सा धमाकेदार साधमाकेदार पहले हम देख लेते हैं कि हमारा मोटिवेशन कोट क्या बोल रहा है फियर किल मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल एग्जैक्टली भाई ऐसा धक धक हो रहा है ना सुन करके कि एग्जाम एक एग्जाम खराब हो चुका है दूसरा एग्जाम ना खराब हो जाए तो ये सब सोच करके क्या करते हो आज की प्रिपरेशन खराब कर देते हो तो ये सब नहीं करने का है मैं हूं ना मैम है आपकी हेल्प करने के लिए तो बस ये हेल्प लो फ्री फो फ्री की मस्त मिल रही है अच्छे से गाइडेंस लो मैम की सो सॉरी है ना और बस आगे बढ़ते रहो चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बट उससे पहले आपको एक बता दूं कि जब एक्जर्शन और रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको इस तरीके के चार ऑप्शन मिलेंगे कि एजर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एजर्शन का दूसरा मिलेगा कि एजर्शन और रीज़न करेक्ट हैं लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे एजर्शन का थर्ड आपको मिलेगा एजर्शन तो ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स ही है स्टेटमेंट ही गलत है हमारा है ना और उसके बाद एजर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है इस तरीके के आपको चार ऑप्शन मिल सकते हैं ठीक है चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की व्हाट डज फर्स्ट क्वेश्चन से पेरेंट सेल्स हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड बिकॉज पेरेंट सेल्स आर द मेन सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो यहां पे आई आपकी एक गोल्डन से टिप कि जब भी एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एजर्शन के स्टेटमेंट को रीड करना कि पेरेंट सेल्स कैन हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड बिकॉज लगा दो भाई यहां पे बिकॉज रीज़न क्या है पेरेंट काइमा के जो सेल्स होते हैं वो मेन सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं तो ऐसा कब हो गया भाई पेरेंटकाइमा सेल्स जो होते हैं वो स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके अंदर वैक्यूल्स की प्रेजेंस होती है क्या होती है दे कंटेन लॉट मेनी ऑफ वैक्यूल्स और वो मेन सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होते भाई मेन सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो मेन फोकस रहता है फोटोसिंथेसिस का ठीक है तो उनके प्रेजेंस की वजह से हम उनको क्लोरेनकाइमा बोल देते हैं लेकिन वो मेन सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होते आपके ठीक है तो एजर्शन और रीजन कर रहे ठीक है तो क्या बोला है? दोनों ही ट्रू है लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारा पेरेंट काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो हम उनको क्लोरो क्लोरन कायमा बोल देते हैं ठीक है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा रहे हैं ठीक है लेकिन वो मेन सीट नहीं होते मेन सीट की बात करें तो मेन लोकेशन बोली जा रही है कि मेन लोकेशन किस लोकेशन पे आपका मेनली फोटोसिंथिस तो भाई क्लोरोप्लास्ट आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा रहा होता है सेल्स के अंदर को क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है मेन सीट नहीं होते पेरेंटकाइमा सेल्स क्योंकि सब पेरेंटाइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होते जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका तो नाम ही हमने अलग दे रखा है ना क्लोरेंकाइमा तो स्टेटमेंट हमारे दोनों ही करेक्ट हैं लेकिन रीजन गलत है फंक्शन ऑफ पेरेंटाइमेटिस टिश्यू क्या होते हैं फूड मटीरियल स्टोर करने के होते हैं पेरेंटाइमा टिश्यूज रूट में स्टेम्स में ट्यूब में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जायलम और फ्लोएम पेरेंटाइमा जो होते हैं वो भी आपके स्टार्ची फूड स्टोर करते हैं जबकि पेरेंटाइमा सेल्स जिनके अंदर सिर्फ जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है सिर्फ वही मेन सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं जैसे कि पेलीसेड ऑफ लीव्स जैसे कि पेलीसेड ऑफ लीफ तो भाई स्टेटमेंट तो दोनों ही करेक्ट है लेकिन वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है क्योंकि वो ये नहीं बता रहा है कि वो फूड का स्टोरेज मेनली करते क्यों है ठीक है वो मेन रीज़न तो उसका पूछा जा रहा है ना और वो बता क्या रहा है आपको रीज़न की वो फोटोसिंथिस परफॉर्म करते हैं इसीलिए स्टोर करते हैं तो ऐसा नहीं है भाई सारे पेरेंट सेल्स फोटोसिंथिस नहीं परफॉर्म करते जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो परफॉर्म करते हैं तो हाँ सीट ऑफ फोटोसिंथिस तो होते हैं लेकिन उसका रीज़न करेक्ट नहीं है हमारा ठीक है तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हुए लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या हो गया गलत हो गया अरे बाबा ना मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है अगेन आपको क्या करना है एजर्शन स्टेटमेंट रीड करके रीजन से पहले आपको बिकॉज लगा देना है और फिर आंसर चेक करना है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वैस्कुलर ऑफ और कंडक्टिव टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट बिकॉज वैस्कुलर टिश्यू हैज मेड सर्वाइवल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स पॉसिबल इन द टेरेस्टियल इन्वायरमेंट तो भाई अब बताओ इसका आंसर क्या होगा क्या हो सकता है बताओ इसका आंसर सोचो सोचो जानम हम टिशू का चैप्टर तुम्हारे लिए लेकर आए है ना ठीक है तो भाई वेस्कुलर टिश्यूज और कंडक्टिव टिश्यू क्या होते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर होते हैं अलग अलग होते हैं आपके प्लांट्स में हमने दो टाइप के जयलम और फ्लोएम पढ़े हैं आपके दोनों के फीचर्स ही क्या क्या होते हैं अलग अलग होते हैं जाइलम क्या करता है फूड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है जबकि फ्लोएम क्या कर रहा होता है हमारा फूड का कंडक्शन कर रहा होता है तो ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात हो रही है कि ये दोनों वेस्कुलर टिश्यूज में अलग अलग फीचर्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज उन्होंने सर्वाइवल इजी कर दिया है हमारे टेरेस्टियल इसीलिए उनके अंदर डिस्टिंगटिव फीचर प्रेजेंट होते हैं भाई ये कौन सा लॉजिक होता है ये कौन सा लॉजिक होता है हां स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू है कि दोनों के अंदर अलग अलग डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं और हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की वजह से ही टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में प्लांट सर्वाइव कर लेते हैं लेकिन 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 ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आ जाता है क्यों क्योंकि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि दोनों में डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते क्यों हैं ठीक है वो ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा है कि वाई बोथ ऑफ दीज कंडक्टिव टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम में अलग अलग फीचर्स क्यों होते हैं दोनों

लाइन में भी लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स इशू की वजह से ही टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में प्लांट सरवाइव कर जाते हैं और एजर्शन भी हमें पता है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों में ही अलग-अलग टाइप -अलग के फीचर्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन क्यों प्रेजेंट होते हैं इसका रीजन वो नहीं बता पाया है तो इसीलिए रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन स्टेटमेंट ट्रू है हमारा ठीक है

टॉल एपिथेलियल सेल्स हमारी इनर लाइनिंग ऑफ में टॉल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं हां जी हमें पता है कि उनमें कैसे टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं कॉलमनार एपिथीलियल सेल्स क्योंकि वो क्या करवा रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन का, का काम करवा रहे होते हैं ठीक है एब्जॉर्प्शन का काम करवाते हैं बिकॉज कॉलमार एपिथीलियल And so yes, भाई, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे ठीक है क्यों क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि कॉलम शेप्ड सेल्स होते हैं और साथ साथ में सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और मैंने आपको एक टिप दी थी कि उनके फंक्शन के बेसिस पे आप उनकी लोकेशन निकाल सकते हो तो मैंने आपको बताया था लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटस्टाइन वॉल ऑफ द स्मॉल इंटस्टाइन जो होती है उनके अंदर कॉलमनार एपिथीलियर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो एबजॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करवाते हैं और हमारी स्मॉल इंटस्टाइन सिक्रीशन भी करती है और साथ साथ में एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है फूड मटीरियल को एब्जॉर्ब करने का काम भी करती है तो उसमें प्रेजेंट होते हैं क्या आपके कोलमनारियन जो कि फैसिलिटेट करते हैं एब्जॉर्प्शन और का तो भाई क्या हो गया इसमें हमारा एजर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हो गए और साथ साथ में रीजन जो हो गया वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया हमारे एजर्शन का क्योंकि हमने पढ़ा है कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं टॉल जो सेल्स होते हैं वो ही होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट और डिफ्यूजन का Across the epithelial barrier. आया समझ में? की ना ही? आ गया समझ में में? की आ गया जो कि है हमारा फोर्थ वाला नंबर क्वेश्चन चलो पहले फोर्थ नंबर क्वेश्चन मूव करने से पहले जरा मैम थोड़ा सा पानी पी लेती हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे fourth question. चलो तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमारा फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज एजर्शन एजर्शन बोल रहा है हमारा परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मच्योर सेल्स बिकॉज अब क्या लगाना है हमको बिकॉज लगाना है बिकॉज रीजन इज मेरिस्टमैटिक इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स भाई ये कैसा रीजन है परमानेंट टिश्यूज इसीलिए मैच्योर सेल से बने हुए हैं क्योंकि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप होते हैं ये कौन सा लॉजिक हो जाता है भाई परमानेंट टिश्यूज हमारे परमानेंट मैच्योर सेल से इसलिए बने होते हैं क्योंकि वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं और अपनी कैपेसिटी लॉस कर देते हैं क्या डिवीजन की ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा इसका जबकि हमारा एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है कि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो कि कत ही गलत है ठीक है बिल्कुल गलत पॉइंट है ये तो इसका आंसर इसका मतलब क्या है हमारा एजर्शन भी ट्रू है देखो एजर्शन भी ट्रू है हमारा और साथ साथ में हमारा रीजन भी ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारा ठीक है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो वो क्या बोल रहा है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन सॉरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारा ठीक है क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमें पता है कि परमानेंट इशूज ग्रुप होते हैं आपके कम मेच्योर सेल से बने होते हैं जबकि टिश्यूज कंटिन्यूस शीट होती है सेल्स की जो कि काफी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं कैपेसिटी होती है बार बार डिविजन परफॉर्म करने की तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू है लेकिन रीजन जो था वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था तो इसी तरीके से आपको एजर्शन पढ़ने के बाद बिकॉज लगाना है और फिर रीजन का आ, एक sentence add up करना है और तब चेक करना है कि में आपको answer reason मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है और अगर वो स्टेटमेंट ही फॉल्स है तो भाई रीजन को स्टेटमेंट ही फॉल्स आप क्या कर दोगे बना दोगे ठीक है ये करना है आपको आया समझ में कैसे सॉल्व करने हैं आपको ये क्वेश्चंस चलो मूविंग अहेड हेड विद नेक्स्ट जो कि है फिफ्थ नंबर वाला हमारा क्वेश्चन बोलता क्या है पब्लिक मोस्ट ऑफ प्लांट टिश्यूज आर डेड रीजन ड्यू टू सीडेंट्री एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट्स डेड सेल प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ मोर इज़ली देन वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस। सीडेंट्री एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि जो एक जगह पे स्टिल रहते हैं जो एक जगह पे कैसे रहते हैं स्टिल रहते हैं दे आर स्टिल एट वन प्लेस ओब्वियसली भाई प्लांट्स हमारे पैर तो नहीं है उनके कि मस्त चल रहे होते हैं हमारी तरह ऐसा तो पॉसिबल नहीं है उनमें तो यही रीजन होता है कि वो क्या होती है सीडेंट्री एग्जिस्टेंस होती है तो अब हम लगा लेते हैं क्या अब हम यहां लगा लेते हैं पब्लिक बिकॉज क्या लगा लग लिया हमने बिकॉज लगा लिया अब एजर्शन बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ प्लांट टिश्यूज आर डेड बिकॉज ड्यू टू सीडेंट्री एग्जिस्टेंस सीडेंट्री एग्जिस्टेंस मतलब स्टिल एक स्टिल स्टेट में रहते हैं इसीलिए डेड सेल्स जो होते हैं उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और उनको लिव वंस में से ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्या मतलब जैसे हम लोग होते हैं हमको अगर प्रीडेटर आ रहा है हमारे पास तो वो हमको मार सकता है तो हम भग जाते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए

इस तरीके की सीडेंट्री एग्जिस्टेंस में ऐसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं तो भाई हमारा एजर्शन भी ट्रू हो गया रीजन भी ट्रू हो गया और साथ साथ में वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया हमारे एजर्शन का ठीक है तो यहां पे क्या आंसर हो गया एजर्शन भी ट्रू हो गया रीजन भी हमारा क्या हो गया ट्रू हो गया और रीजन भी क्या हो गया हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया हमारे एजर्शन का क्या हो गया करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया हमारे रीजन का ठीक है आया समझ में क्या बोला है बोथ एजर्शन और रीजन हमारे ट्रू है और रीजन जो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि हमें पता है ट्रीज जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत हार्श इन्वायरमेंट फेस करना पड़ता है आंधी तूफान बारिश पानी ये सब कुछ हम तो भाई घर में रह लेते हैं आराम से है ना तो हमारे अंदर मोस्ट ऑफ़ द लिविंग सेल्स होते हैं जबकि वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होते हैं जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ चाहिए होती है जो वो उनको कौन प्रोवाइड करते, है? करते हैं उनके डेड सॉरी उनके डेड सेल्स प्रोवाइड करते हैं ठीक है इसीलिए उनमें मोस्ट ऑफ द सेल्स कैसे होते हैं डेड होते हैं मूविंग अहेड विद द सिक्स नंबर वाला हमारा क्वेश्चन की क्या बोल रहा है पब्लिक कौन बताएगा मुझे कि सिक्स नंबर वाला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा सा पानी पी लिया जाता है उसके बाद सिक्स नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है ठीक है चलो तो लेट्स बिगिन विद विद्स नंबर वाला क्वेश्चन जो बोल रहा है एजर्शन सीलिएटेड एपिथीलियम हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हाँ जी भैया हमने पढ़ा है कि सीलिएटेड एपिथीलियम जो होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं हमारे कॉलमनार एपिथीलियम और सीलिया जो करती है किसका मूवमेंट में लोको मोशन में हेल्प करवाती है किसमें हेल्प करवाती है इट हेल्प्स इन द लोको मोशन तो भाई एजर्शन क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया फिर आते हैं हम रीजन पे जिसके पहले हमें क्या लगाना है एक प्यारा सा चमकता हुआ बिकॉज लगाना है हमें कि ओ -ओ, सॉरी किधर गया पेन चेंज कर लेती हूँ दिख नहीं रहा होगा ठीक है अब हमने क्या लगा लिया बिकॉज लगा लिया अब रीजन क्या बोल रहा है सीलिया हेल्प इन मूवमेंट तो उसने क्या बोला सिलियटेड एपिथिलियल हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स सीलिएटेड एपीथिलियम जो होते हैं आपके आपकी बॉडी में पार्टिकल्स सब्सटेंसेस के मूवमेंट में हेल्प करते हैं ठीक है लोकोमोशन में हेल्प करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि उनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है क्या प्रेजेंट होता है दे कंटेन सीलिया तो भाई यहाँ पे क्या हो गया रीजन भी ट्रू हो गया और हाँ वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया कि हाँ हमें पता है सीलिया क्या करते हैं मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं तो भाई एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट है इसीलिए वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा एजर्शन भी ट्रू हो गया क्या हो गया हमारा एजर्शन भी ट्रू हो गया साथ साथ में रीजन भी ट्रू हो गया और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया क्या हो गया रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया हमारे एजर्शन का ठीक है हमारे एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया आया समझ में कैसे सॉल्व करना है बस एक सिंगल सिंपल सी गोल्डन सी टिप दी आपको बिकॉज लगाना है आंसर मिल रहा है तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और यह भी चेक कर लेना है कि हमारा स्टेटमेंट जो है कहीं वही तो नहीं गलत है अगर गलत ही है फॉल्स ही है स्टेटमेंट तो भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ही नहीं हमारा ठीक है अब देख रहे हो इसका रीजन क्या है एजर्शन और रीजन का एजर्शन रीजन आपका कंसेप्ट चेक कर रहे हैं क्या चेक

सरफेस ऑफ और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में हेल्प कराते हैं इसीलिए भाई फंक्शन हमारे एपिथीलियम का क्या हो गया? Movement करवाना हो गया? गया। करवाना तो ठीक है हमारा भी करेक्ट था रीजन भी करेक्ट था और एक्सप्लेनेशन भी था मूविंग अड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सेवन वाला मेरिस्टमैटिक टिश्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी मेरिस्टमैटिक टिश्यल्स भाई ये क्या बात होती है हमें पता है कि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज कंटिन्यू डिवाइडिंग सेल्स होते हैं मेजर पार्ट भी बनाते हैं लेकिन वो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं कि डिवाइडिंग सेल्स होते हैं कौन बताएगा मुझे डिफरेंशियटेड सेल्स होते हैं कि डिवाइडिंग सेल्स होते हैं किसको पता है इसका इसका आंसर आंसर किसको पता है टिश्यूज हमारा मेजर पोर्शन बनाते हैं बिल्कुल नहीं जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि हमारे प्लांट जो होते हैं वो सीडेंट्री एग्जिस्टेंस करते हैं मतलब उनको इतने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे रहने के लिए सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो मोस्ट ऑफ द उनके टिश्यूज कैसे होते हैं डेड होते हैं तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया पहला स्टेटमेंट ठीक है क्या हो गया फॉल्स हो गया दूसरा क्या बोल रहा है कि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स भाई डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि ऐसे सेल्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे सेल्स जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं ठीक है इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज तो भाई कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन तो परफॉर्म नहीं करते इसका मतलब क्या हो गया हमारा रीजन भी क्या हो गया फॉल्स हो गया तो भाई एजर्शन और रीज़न दोनों ही फॉल्स हो गए हमारे ऑल टोटल मिला करके ना कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना कोई स्टेटमेंट करेक्ट है तो बोथ एजर्शन एंड रीजन इज फॉल्स बिकॉज मेरिस्टमैटिक टिश्यूज हमारा मेजर पोर्शन प्लांट का नहीं बनाते और साथ साथ में मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में

सरफेस जो होती है स्किन की वो इम्पर्वियस टू वाटर होती है मतलब स्किन के ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो स्किन के अंदर से पानी नीचे चला जाएगा ऐसा नहीं होता है मतलब स्किन के अंदर पेनिट्रेट होकर के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में चला जाएगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ हमारा रीज़न क्या हो गया ट्रू हो गया

ठीक है ओनली इन वन प्लेन तो भाई ये तो ट्रू है क्यों क्योंकि हमें पता है कि लेटरल मेरिस्टोमैटिक टिश्यूज क्या करते हैं प्लांट की ब्रेथ को इंक्रीज करने में गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं क्योंकि बिकॉज वो एक वन प्लेन में डिवाइड होते हैं एक ही प्लेन में डिवाइड होते हैं हां जी तो भाई ये भी हमारा ट्रू है ठीक है ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि हमें पता है कि लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यूज जो होते हैं वो थिकनेस इंक्रीज करने का काम करते हैं और वो साइड में प्रेजेंट होते हैं आपके कैम्बियम ये साइड में प्रेजेंट होते हैं तो भाई एक ही प्लेन पर डिवाइड हो रहे हैं इसीलिए यहीं से ही थिकनेस इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है

आने का उनको काम है वो क्या हो सके ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हाँ जी भाई हमारा एजर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट थे और रीजन जो था करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था हमारे एजर्शन का ठीक है नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा टेंथ नंबर वाला क्वेश्चन वो बोल रहा है वेसल एंड सीव ट्यूब बोथ आर मेंट फॉर बोथ आर मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पजेज है ना और वेसल्स आर लिग्निफाइड ठीक है तो हमारा एजर्शन क्या है स्टेटमेंट तो ट्रू है हमें पता है कि वेसल्स जो होते हैं और सीव ट्यूब्स जो होते हैं वो क्या करवाते हैं ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए वेसल्स किस में प्रेजेंट होते हैं हमारे जाइलम में प्रेजेंट होते हैं जबकि सीव ट्यूब्स हमारे फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं और दोनों का ही काम क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन करवाने का क्यों होता है बिकॉज वेसल्स आर लिग्निफाइड क्योंकि वैसेस हमारी लिग्निफाइड होती हैं इसीलिए वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो भाई ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया ठीक है क्या हो गया क्या हो गया स्टेटमेंट ही गलत हो गया ठीक है रीज़न और एजर्शन दोनों ही ट्रू है सॉरी गलत नहीं हो गया करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है दोनों ही हमारे ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो दोनों क्या हैं दे आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ दे आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो कि क्या करते हैं कंडक्शन uh, का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो दोनों ही कंडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं वेसल्स हमारी डेड सेल से ही बनी होती है लिग्निफाइड होती है लिग्निन की डिपोजिशन प्रेजेंट होती है उसमें लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं इसीलिए वो हमारा कंडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो डेड सेल्स होते हैं उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो दोनों स्टेटमेंट तो हमारे ट्रू हैं क्या है दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारा वेसल्स जो होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस चैनल होते हैं जो वाटर का ट्रांसपोर्ट कराते हैं जबकि सीव ट्यूब्स जो होते हैं वो भी लॉन्ग डिस्टेंस चैनल होते हैं जबकि वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिय फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं हाँ जी वॉल्स ऑफ uh, जो वेसल्स होती है, हैं लिग्निफाइड होती हैं जबकि लिग्निफिकेशन लिग्निन डिपोजिशन सीव ट्यूब्स में नहीं प्रेजेंट होती है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो वो था ही नहीं वैसे भी लेकिन स्टेटमेंट दोनों हमारे ट्रू थे सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एजर्शन एंड रीजन हमारे क्वेश्चन तो आई थिंक सो अब हम मुझे लग रहा होगा कि समझ में आ गया होगा कि एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन एग्जैक्टली exactly आपको सॉल्व कैसे करने हैं तो अगर सेशन पसंद आया हो तो फटाक से एक थम्स अप दे दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और अगर आपको ये सारे सेशनस के पी डी एफ और डे टू डे नोटिफिकेशन चाहिए तो मेक श्योर sure कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो इसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और अगर आपको मुझे फॉलो करने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो खुशबू डैश भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है और ये सारे आपके फेवरेट मास्टर टीचर के अपने अपने शॉर्ट्स के चैनल हैं जिसमें ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जस्ट 60 सेकेंड्स में रिवाइज कराते हैं मेरा शॉर्ट्स का चैनल है वेदांतु नाइन्थ एंड टेंथ बायोलॉजी जहाँ पे आप मुझे फॉलो आउट कर सकते हो ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 60 सेकेंड्स में रिवीजन करने के लिए और अगर सेशन पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में दबाई तो एंड टेक केयर